देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों को हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ाए थे कि भाषा का उद्भव और विकास, भाषा का उद्भव और विकास। तो भाषा के उद्भव और विकास में हम आपको उपभाषा में बोलियां पढ़ा चुके थे। क्या बताए थे? भाषा का उद्भव और विकास में उसमें बोलियां पढ़ा दिए थे। और आइए देखते हैं आज वर्ण या वर्ण के प्रकार। और ये आप कई बार पढ़े हैं, थोड़ा सा मेरे साथ दोहरा लेंगे तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और आपको कहीं भी दिक्कत होती है, कहीं भी मेरी लैंग्वेज ना समझ में आती या लिखा हुआ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। और मेरा नंबर है 70 84 10 40 43। व्हाट्सएप पे भी मैं हूँ, आप उसे मैसेज द्वारा या कमेंट के माध्यम से आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं या कहीं दिक्कत है उसे भेज सकते हैं। ठीक, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। वर्ण व वर्ण के प्रकार, वर्ण या वर्ण के प्रकार। देखिए, अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं, किसी भी भाषा को, चाहे गुजराती हो, पंजाबी हो, मराठी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तो उसको सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वर्ण की। और ये मैं पहले भी बताई हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है, या वर्ण कहलाती है, या अक्षर कहलाती है। और प्रश्न के माध्यम से मैं वहाँ पूछी भी हूँ, जब उद्भव और विकास में, अगर आप लोग ये मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ऐसे डालेंगे कि ई लर्निंग विथ दुर्गेश, तो वो तुरंत आपको दे। ठीक, तो ये देखिए, वर्ण हम कैसे किसे कहते हैं? जिसका खंडन नहीं किया जा सके, जिसका खंडन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और इसी वर्ण का दूसरा नाम आप अक्षर भी कह सकते हो, और इसी को ध्वनि भी कहते हैं। तो ये देखिए, जैसे आपका क, क है, इसको यदि हम खंड में बांटेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे, तो ये आपका हो जाएगा क प्लस अ, क प्लस अ। लेकिन ये आप जानते हैं कि वर्ण या व्यंजनों का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला ही शुद्ध माना जाता है। और जिस वर्ण के नीचे, जिस वर्ण पर हलंत लगा होता है वह स्वर रहित होता है, जिस पर हलंत नहीं लगा होता है वह क्या होता है? स्वर सहित होता है। ठीक, तो ये जिस पर हलंत होता है वो स्वर रहित होता है, यानी उसमें स्वर मिला नहीं होता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि अ जो स्वतंत्र स्वर है ये हर व्यंजन के साथ मिला होता है। जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं, अगर आपको क लिखना है तो लिखते हैं के ए, यदि आपको ख लिखना है तो आप लिखते हैं के एच ए, यही लिखते हैं दोस्तों, यही लिखते हैं ना। तो ये देखिए कि जब हम स्वतंत्र स्वर जो आपका अ होता है, चाहे वो कोई भी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, कुछ में भी, अगर आपको क बनाना है तो ए आपको उसमें हर व्यंजन के वर्ण में मिलाना होगा। तो इसी को हम, जो हलंत वाला होता है वो स्वर रहित होता है, जो बगैर हलंत के होता है वो स्वर सहित होता है। तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब एक वर्ण को तो आप अक्षर कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को आप वर्ण कहते हैं, लेकिन वर्णमाला क्या होता है? जिस प्रकार से एक मोती को मोती कहा जाता है और कई मोतियों को जो समूह होते हैं गूंथ दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? माला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक उसी प्रकार वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं?
वर्णमाला कहते हैं, यहाँ भूल गए सॉरी, कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तरीका को या तरीके को आप क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध या व्यवस्थित का मतलब जो परंपरा बना दी गई है कि इस वर्ण के बाद ये वर्ण आएगा, इस वर्ण के बाद ये वर्ण आएगा, और आपके यूपी टेट में, स्पेशल यूपी टेट जो है उसमें एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आता है। हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आपका क्या आता है, आ आता है, जो पंचमाक्षर है, अनुनासिक है, उसे हम क्या कहते हैं, आ कहते हैं। आपका ये हो गया, आ हो गया, ई हो गई। अब किसी भी स्वर पर आप चंद्रबिंदु लगाओगे तो वो वाला स्वर क्या होता है, पहले आता है। और किसी भी व्यंजन में यदि चंद्रबिंदु लगाएं, जैसे क में लगा दिए, फिर उसके बाद ख में लगा दिए, और यहाँ जो होता है क के बाद क्या आएगा, आपका क्ष आएगा, ठीक। तो ये हिंदी शब्दकोश होता है, ये आपका चंद्रबिंदु वाला यानी पंचमाक्षर सर्वप्रथम हिंदी शब्दकोश में आता है। और ये देखते हैं अ के बाद क्या आएगा, आ आएगा, सॉरी, अ के बाद अंग आएगा, अंग के बाद क्या आएगा, अ आएगा। फिर उसके बाद स्वरों का क्रम जो होता है वो यथावत बना रहेगा, कहाँ तक बना रहता है मित्रों, औ तक बना रहेगा, कहाँ तक बना रहेगा, औ तक, सॉरी भाई गलती हो जा रही, अ के बाद क्या आएगा, अह आएगा। अब इसके बाद आपका अ आएगा, आएगी, आएगा, ई आएगी और ई आएगी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और अ। ये आपके किसका क्रम है, स्वरों का क्रम है। और हिंदी शब्दकोश में जैसे कोई भी चंद्रबिंदु वाला वर्ण होगा या स्वर होगा वो आपके हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम आता है। फिर उसके बाद देखते हैं आपका क आता है, क के बाद आपका क्ष आएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्ष का क्रम किसके बाद आता है, तो क के बाद। अगर आप वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो ह के बाद होता है ना, श श श ह क्ष त्र ज्ञ स्र, लेकिन ये ह के बाद नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। मैं आगे अभी बता रही हूँ कि क से लेकर ह तक ही मूल व्यंजनों की संख्या होती है। और क्ष का जो निर्माण होता है वो आपका क होता है प्लस मूर्धन्य श होता है, इसलिए ये क्ष किसके बाद आता है, क के बाद आता है। किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। उसके बाद आपका ख आता है, ग आता है और घ आता है। फिर च आएगा, छ आएगा, ज आएगा। ज के ठीक बाद दोस्तों क्या आएगा, ज्ञ। फिर उसके बाद झ, फिर उसके बाद ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा, ढ आएगा, फिर त आएगा, त के तुरंत बाद त्र आएगा, त्र के बाद आपका थ आएगा, थ के बाद द आएगा, द के बाद ध आएगा, और ध देखते हैं। फिर उसके बाद ये आपका न होता है और प होता है, फिर फ होता है, ब होता है, भ होता है, म होता है, य, र, ल, व। तालव्य श पहले आता है, मूर्धन्य श बीच में आता है, दंत स ये आपका बाद में आता है। और एक बात यह ध्यान देना है कि जहाँ तीनों श है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए, इसके बाद य, र, ल, व जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं वो उसके बाद कौन सा आता है, तो आपका आता है श। और इसके ठीक बाद आपका क्या आएगा, स्र आएगा, फिर उसके बाद मूर्धन्य स आता है, फिर दंत स आता है, और क्या आता है, ह आता है। ये आपके हिंदी शब्दकोश का क्रम है। और आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ हमने अंग क्यों नहीं लिखा, य क्यों नहीं लिखे, अण क्यों नहीं लिखे, और यहाँ न क्यों लिख दिए और म क्यों लिख दिए। तो ऐसा है कि हिंदी वर्णमाला में
पांच ऐसे वर्ण हैं, कितने वर्ण, पांच ऐसे वर्ण हैं जिनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे आपका हो गया ङ, य, ळ, ळ और ळः, ठीक। ये ळ को जो हम पढ़ते हैं ये अनुनासिक है और ये द्विगुण है, इसमें दो गुण छिपे होते हैं, एक आपका ढ ड होता है और दूसरा ढ होता है, और ये क्या होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, पांच होती है, जो हर वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। आइए तो क्रम सीक्वेंस से पढ़ते हैं, ये हिंदी शब्दकोश का सही क्रम है। अब आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी है, मैं आपको वर्ण विच्छेद सॉरी शब्द विच्छेद करके बता दूंगी कि कैसे क्या कौन सा शब्द पहले आता है। ये देखिए, तो हिंदी वर्णमाला में पांच ऐसे वर्ण होते हैं जिससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, या तो वो बाद में आएंगे या तो बीच में आएंगे, पहले कभी नहीं आ सकते। जब शुरू ही नहीं होता तो पहले कहाँ से आएगा। और ये देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला तो वर्ण हमें पता चला कि जिसका क्षरण ना किया जा सके या जिसका खंडन ना किया जा सके वो वर्ण कहलाता है, और वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीकों को या व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के यदि आपसे प्रश्न पूछा, पिछली बार पूछा था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। नंबर एक होता है स्वर और नंबर दो होता है व्यंजन। देखिए, अगर आप सभी लोगों को कहीं भी दिक्कत होती है, जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है कि आप ऐसे लिख रही हैं, व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिख पा रही हैं या नहीं लिख रही, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि अपनी गलतियाँ किसी को पता नहीं चलती हैं, और आप कमेंट के माध्यम से कृपया भेजिएगा। तो ये जो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि, पहले तो ये जान लेते हैं कि स्वर कहते किसे हैं। स्वर का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होती है या जिसका उच्चारण करने में हमें व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे ही स्वर कहते हैं। आपसे ये पूछा कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है, ऑप्शन दे दिया 10, दूसरा ऑप्शन दिया 11, तीसरा ऑप्शन दिया 13, चौथा ऑप्शन दिया 4। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यहाँ पूछ रहा है कि टोटल स्वरों की संख्या। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि उसमें अयोगवाह मिला है या फिर क्यों बाहर किया गया, कोई भी इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता। यदि आपसे ये पूछता है कि टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 13। यदि 13 ऑप्शन में नहीं दिया है, मान लीजिए यहाँ आपको दे दिया 12, क्या दे दिया 12, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 11 होगा। यदि यहाँ स्वरों की संख्या पूछ रहा है तो आपको ऑप्शन में 13 दिया ही नहीं, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 11 होगा। लेकिन जब यहाँ कुल स्वरों की संख्या पूछे तो उत्तर क्या होना चाहिए, 13, ठीक। तो वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब देखते हैं कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। कितनी होती है विद्यार्थियों, 52 होती है। इसी 52 वर्णों में से हम स्वर का विभाजन करते हैं और व्यंजन का विभाजन करते हैं, ठीक। जैसे स्वर का विभाजन जब हम करते हैं तो वो 13 में से करेंगे। अब 13 में कौन कितना बच रहा है कि आपका व्यंजन बचेगा, तो 39। इसी 39 में हमको व्यंजन को पढ़ना होता है, 13 किसको पढ़ना होता है, स्वर को। आइए पहले ये जान लेते हैं स्वर की परिभाषा क्या है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में व्यंजनों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ,
और अंग और आ, यही है। 13 इनकी संख्या होती है टोटल, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, ये 13 आपके स्वर होते हैं। आप देखते हैं किसके उच्चारण में व्यंजन हमें मिलता है, तो अंग कहते हैं तो आपको तुरंत यहाँ मिलता है अ प्लस न बराबर अंग, फिर अह कहते हैं तो मिलता है अ प्लस ह बराबर अ, तो न और ह क्या है, व्यंजन है, इसलिए इन अंग और अह को स्वरों को स्वरों से बाहर रखा गया है। और सभी लोग पूछते हैं कि इसे क्या कारण है कि अंग और अह को स्वरों से बाहर रखा गया, ना तो ये आपके व्यंजन में आते हैं ना तो आपके स्वर में आते हैं, लेकिन अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आपके 13 होते हैं। और स्वरों से बाहर रखने का यही एक ही कारण है कि अंग के उच्चारण में न मिलता है न व्यंजन है, अह के उच्चारण में ह मिलता है जो कि ह भी आपका क्या है, व्यंजन। ठीक, तब अब देखिए, अब 13 में से 2 निकाल दिए तो कितने स्वर बच गए, 11 बच गए। अब इसी 11 स्वरों में से विभाजन हम करते हैं कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, अंग और अह को क्या नाम देते हैं। अंग को हम कहते हैं अनुस्वार, क्या कहते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग। जब भी हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो बिना इसके कोई भी शब्द आपको विसर्ग संधि में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम ही है विसर्ग। ठीक, तो एक आपका चिन्ह होता है उपविराम, इसे क्या नाम देते हैं, उपविराम। तो जैसे आपको ये पूछ दिया उपविराम कब लगाते हैं, जैसे आपको यहाँ दे दिया कि आप निबंध लिखिए तो मोबाइल, यहाँ उपविराम दे दिया, यहाँ हानि और लाभ दिखाई दे रहा है, हानि और लाभ। तो अब ये आपका क्या है, उपविराम है, ये बता रहा है कि मोबाइल हमारे लिए क्या 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 हम मोबाइल से हमें हानियां हैं और क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वो आपको लिखना है। तो इस विसर्ग की तरह यदि आपको कोई चिन्ह दे दे तो उसे हम क्या कहते हैं, उपविराम कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जिस तरह से संबोधन और विस्मय सूचक चिन्ह एक जैसे होते हैं, लेकिन हम यह पता पाते हैं यदि किसी को पुकारने का काम करते हैं तो यही चिन्ह संबोधन हो जाता है। यदि कोई अचानक हर्ष खुशी घृणा आदि शब्द आपको मिलते हैं, जैसे हमने कहा हाय राम, हाय वह चल बसाया, हाय राम वह मर गया, वह मर गया, तो हाय हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, हाय हम क्या कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। कि अब यही चिन्ह देखिए, हाय से हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, ये वाला हाय नहीं जो आप लोग मिलते हैं तो कहते हैं हाय, अंग्रेजी वाला नहीं, ये दुख व्यक्त कर रहे हैं। दुख व्यक्त करने से कहते हैं, तो आपको जब पता चलता है तो आप किसी भी दुख वाले शब्द के बाद या विस्मय सूचक शब्द के बाद जो अचानक आप देखते हैं, अरे यहाँ क्या हो गया, तो अरे क्या है आपका, ये आपका संबोधन नहीं, आपका क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह होता है। जब किसी को पुकारने का काम करते हैं तो यही चिन्ह संबोधन कहलाता है। यदि कोई शब्द हर्ष खुशी घृणा आदि का भाव हमें व्यंजित होता है, मिलता है, उस शब्द के बाद जो चिन्ह हमें मिलता है उसे हम विस्मय सूचक कहते हैं। ठीक, तो उपविराम और विसर्ग एक जैसे होते हैं, वो शब्द बताता है कि ये विसर्ग है कि उपविराम है, और ये संबोधन जब पुकारने का काम करते हैं या ये आपको मिलता है कोई शब्द तो विस्मय सूचक होता है। ठीक, अब देखते हैं कि 11 जो आपके स्वर होते हैं, और इन दोनों इसे अनुस्वार कहते हैं, मिट गया है, और इसे क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग कहते हैं। इन दोनों को चाहे आप अंग को पूछे चाहे अह को पूछे, दोनों को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़, और किसी भी शब्द के पहले यदि अ लग गया तो योग का मतलब जोड़ हो गया ना, अ लग गया तो इसका मतलब नहीं जोड़ा, मतलब न योग, तो ये होता है कि इसे स्वर में नहीं जोड़ा गया, इसलिए इसे क्या नाम दे दिया गया, अयोग वाह। तो स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी बचती है, 4 बचती है। आइए देखते हैं कि वो स्वरों में क्या क्या विभाजन हम करते हैं। 2 तो निकल गए अंग और अ,
अनुस्वार और विसर्ग। अब बचते कितने हैं? 11। इन्हीं 11 स्वरों को हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। क्या होता है? प्लुत स्वर। देखिए, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, और प्लुत का मतलब होता है इन दोनों से सबसे बड़ा, इन दोनों से बड़ा यानी सबसे बड़ा। तो ये जो आप ह में देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये र है। आप ये जान लीजिए, कहीं कहीं आपको पूछता है कि र वर्ण कितने प्रकार, पिछली बार VTC में पूछा था कि र वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यदि ऑप्शन में आपको दिया है 3 तो आप 3 लगाइएगा, यदि 3-4 दोनों दिया है तो 4 लगाइएगा। क्योंकि इस र का नाम होता है साधारण र, जैसे हम लिखते हैं रोहन, क्या लिखते हैं? रोहन, रीता, रमेश। आप र वाला कोई भी शब्द ले लेंगे तो वो साधारण र कहलाता है। क्या कहलाता है? साधारण र कहलाता है। और नंबर 2, एक तो हो गया आपका साधारण र, जो ह्रस्व में आपका र लगा हुआ है वो उसे कहते हैं पदेन र। क्या कहते हैं? पदेन र कहते हैं, और ये इसका चिन्ह होता है। यूपी पुलिस में या UP SSC में जो हिंदी सिलेबस जिसमें दिया है उसमें आपको ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से, और पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से वह शब्द का, उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें र वर्ण नहीं लगा है या र व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। वहाँ आपको री की मात्रा दे देता है। तो ये जानते रहिए कि र वर्ण कितने प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है सामान्य रूप से, और मुख्य रूप से 3 प्रकार का। एक साधारण हो गया, दूसरा पदेन हो गया, जैसे हम लिखते हैं क्रम, प्रश्न। तो ये आपका क्या है? पदेन र है। और ये जानते रहिए पदेन र क्या होता है? पूर्ण वर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण वर्ण होता है। इसमें आप, इसका मतलब है कि अगर आप प्रश्न में कह रहे हैं ना, तो इसमें आपका प आधा है। क्या आधा है? प आधा है, और र आपका क्या है? पूरा है। उसी तरह से क आधा है और र पूरा है। जैसे आप कहिए प्रश्न, तो प को आधा कह रहा है और र पर बल दे रहा है, यानी र क्या है? पूर्ण वर्ण है। ये आपका पदेन र हो गया। नंबर 3 होता है, ये जो आप दीर्घ पर लगा देख रहे हैं, इसका नाम होता है रेफ्र। कौन सा र? रेफ्र। ये नुखता है, ये अरबी और फारसी के शब्द होते हैं फ। इसे हम पढ़ते हैं फ। क्या पढ़ते हैं? फ। और अपने वर्णमाला के फ को हम आसानी से कहते हैं फ। ठीक, तो रेफ र को आप लोग उड़ौवा र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ौवा र कहते हैं। अब जानकारी नहीं रहेगी तो कोई भी कहेगा, हमारे मुंशी साहब जो थे वही बताए थे कि उड़ौवा र, खुसौवा र, तमाम र बताए थे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये पदेन र होता है और ये रेफ र होता है। रेफ र से आप लिखते हैं कार्य। क्या लिखते हैं? कार्य। और ये हमेशा क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। जब आप गुण संधि पढ़ेंगे और यण संधि पढ़ेंगे, तो यण संधि में आप पदेन र को पढ़ते हैं और गुण संधि में रेफ र को पढ़ते हैं। आपको त्र वाले शब्द यदि मिल गए तो अधिकांशता यण संधि में होते हैं, यदि रेफ र वाले शब्द मिल जाते हैं तो वह गुण संधि में अधिकांशता होते हैं। मैं संधि वाली वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वेल आइकन को दबाते हैं, तो ये जान लीजिए मैं जितनी वीडियो डालूंगी वो आपके आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको ये पता चल पाएगा कि मैं कौन सी वीडियो किस टॉपिक की डाल रही हूँ। और ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। लेकिन डिसलाइक करने का कारण भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप ऐसा नहीं बताएं, ये नहीं पढ़ाएं, ये गलत है, वो गलत है, कारण मुझे पता चलेगा तो दोस्तों मुझे तकलीफ नहीं होगी। ठीक, ये देखिए, ये रेफ र होता है। तो रेफ र से हम क्या लिख दिए? कार्य। तो ये हमेशा क्या होता है? आधा होता है। जो आपका उड़ौवा र होता है, ऐसे जान लीजिए रेफ र, और जानते भी होंगे तो और अच्छी बात है। इस ये क्या होता है? आधा वर्ण होता है। जब भी हम गुण संधि में पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं अर। क्या लिखते हैं? अर। जैसे आपका हो गया देवर्षि। क्या हो गया? देवर्षि।
तो ये आपको रेफरा मिला, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। तो अर अर वाले शब्द जो मिलेंगे, रेफरा वाला जो शब्द मिलेगा वो हमेशा क्या होता, उसमें रेफरा आधा होता है, और कहीं भी आपको रेफरा मिलता है तो वो हमेशा आधा होता है। ठीक। अब नंबर चार क्या होता है, एक तो हो गया साधारण, दूसरा हो गया पदेन, और तीसरा हो गया रेफ। एक पदेन का ही प्रकार होता है, लेकिन जैसे आपका ये हो गया त्रुटिपूरक। त्रुटि का मतलब क्या होता है दोस्तों, कमी या गलती। तो त्रुटिपूरक या एक चिन्ह भी होता है, इसे त्रुटिपूरक भी कह सकते हैं और हंसपद भी कह सकते हैं। ये आपका र होता है। क्या होता है र, जैसे आप लिखते हैं राष्ट्र, ट्रक, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप ये जान लीजिए कि त्रुटिपूरक या हंसपद र केवल मूर्धा वर्णों के साथ आता है। किस वर्णों के साथ दोस्तों, मूर्धा वर्णों के साथ आता है। जैसे ट आपका ट, ठ, ड, ढ, ये आपके क्या है, मूर्धा वर्ण है। इनके उच्चारण में मूर्धन्य, इसे उच्चारण स्थान इसका मूर्धन्य होता है, और ये मूर्धा वर्णों के साथ ही आते हैं। ठीक। ये आपके चार प्रकार के र हो गए। बाकी जो आपसे पूछता है कि हृदय में क्या है, तो आप ह्री कहते हैं ना, ये री की मात्रा है। क्या है, री की मात्रा है। और ये जानते रहिए कि ह्री कह रहे हैं ना, ह्री ह्री, तो ह्री का मतलब री आ रही है, और जब भी आप री बनाते हो तो ये इसी की मात्रा है। ठीक दोस्तों, ये आपके र वर्ण का प्रकार था। आइए अब देखते हैं स्वरों के विभाजन में। हम बताएं आप सभी लोगों को कि स्वरों को तीन भागों में बांटते हैं। नंबर एक होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है, ह्रस्व स्वर। और नंबर दो होता है दीर्घ स्वर। नंबर तीन होता है प्लुत स्वर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि प्लुत स्वर तो संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं। हाँ ये सही है, लेकिन ये भी आपको बताया गया है और जानते भी हैं कि संस्कृत भाषा का विकास हिंदी भाषा से हुआ है। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इनको आप मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल स्वर, यानी जो मुखिया है पूरे स्वर का, क्या है, मुखिया है। इनकी संख्या कितनी होती है, चार। कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ और री। ये इतने आपके क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और ये पूछता ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रा का मतलब कैसे समझेंगे, जैसे पलक झपकाने में जितना समय लग रहा है वो आपके एक मात्रा का। कोई समय आपको थोड़ी बता रहा कि आप बस करिए, आपका ये समय समाप्त हो गया, आप उच्चारण आप नहीं कर सकते हैं। जब आप पलक जितने समय में झपका कर ऊपर कर लेते हैं, खोल लेते हैं, उतने को ही हम एक मात्रा कहते हैं। अर्थात इसकी नंबरिंग एक है, तो इसे आप एक मात्रिक कहेंगे, इसे द्विमात्रिक कहेंगे, इसे त्रिमात्रिक कहेंगे। एक मात्रिक का मतलब जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, द्विमात्रिक का मतलब जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, प्लुत स्वर में तीन मात्रा के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या मूल रूप से कितनी होती दोस्तों, तीन। कितनी होती है, तीन। एक होता है आपका अ, ई और उ। जब आप संधि पढ़ते हैं तो दीर्घ स्वर संधि में क्या पढ़ते हैं, अ को पढ़ते हैं, ई को पढ़ते हैं और उ को पढ़ते हैं। और अ किसके मिल, किस स्वर से मिलकर बना है, तो अ प्लस अ बराबर आ। आ कह रहे हैं ना, इसे अ कहते हैं, इसे आ कहते हैं, तो इससे दुगुना समय लगा इसमें। और ई जो होती है, ई प्लस ई बराबर ई। और ऊ जो होता है, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ। ये आपके मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और नंबर तीन बारी आती है प्लुत स्वर की, तो इसको आपको इतना पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर त्रिमात्रिक है, और इसका चिन्ह जो होता है ऐसे होता है दोस्तों। ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, इसे तीन मात्रा का समय लेते, जैसे आपको किसी को बुलाते कहते हे, ऐसे कहते हैं। और पुरानी किताब यदि आप देखे होंगे आरती वाली, ओम जय जगदीश हरे में, तो आपको ओम में ऐसा लिखा मिलेगा। जो हिंदी भाषा का तीन होता है, यानी तीन मात्रा का समय, ओम, आप चाहकर भी ओम को जल्दी से नहीं बोल पाओ। अब आप ओम
ऐसे कहेंगे तो ये शुद्ध नहीं होता, ओम ये शुद्ध होता है, इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ए ऐ ओ औ तो आप बताई ही नहीं, लेकिन ये देखिए ए ऐ ओ आते हैं दीर्घ स्वर में, लेकिन उनका एक नाम और होता है संयुक्त स्वर। उसको स्वरों को विभाजन में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि जो आपका संयुक्त स्वर होता है वो दो दो स्वरों से भिन्न, दो असमान स्वरों से मिलकर बना होता है। जो दो स्वरों से मिलकर बना होता है उसे ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है या दो भिन्न व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये आपका है संयुक्त स्वर। कौन कौन होते हैं, इनकी भी संख्या चार होती है, ए ऐ ओ और औ। अब ये देखते हैं कि ये मिलकर किससे बनते हैं। ए कह रहे हैं तो आप जब गुण संधि पढ़ते हैं तो ए को पढ़ते हैं और ओ को पढ़ते हैं और अर को पढ़ते हैं। ए किस किस स्वरों से मिलकर बना होता है, अ प्लस ई बराबर ए। ऐ किससे मिलकर बनता है, आप देखिए अ में ई मिली तो ए बन गया। अब सीधे आप अ में ए मिलाओगे तो ऐ बन जाएगा, क्या बनेगा, अ में ए मिलाएंगे तो ऐ बन जाएगा। और ओ किससे बनेगा, अ में ऊ मिलेगा तो ऊ बन जाएगा, अ में ओ मिला देंगे तो औ बन जाएगा। ठीक, अ में ओ मिलाए तो औ बन गया। और ये देखिए संयुक्त स्वर कहते किसे हैं, दो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उन्हें ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इसे आप दिमाग में मत लाइएगा, क्योंकि ये दोनों समान स्वर से मिले हैं, समान स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ कहा जाता है और बड़ा कहा जाता है। ये असमान स्वर मिले हैं, न में अ मिला है न ई में ई मिली है, चारों को देख लीजिए असमान स्वर मिले हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या चार होती है, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन नंबर एक दे दिया, प्रश्न क्या पूछा कि कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है, ऑप्शन दे दिया आ ई ऊ ए, तो दीर्घ स्वर सबको पता है कि ए नहीं है, ए नहीं है, इतना तो पता होगा, तो ए नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है तो आप इसको बताओगे, या दीर्घ स्वर नहीं है आप इसको बताओगे। यदि आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तब ये आपका ए ऐ ओ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। जैसे आपको यहाँ ऑप्शन दे दिया ए, दूसरा ऑप्शन दे दिया ओ, और पूछ रहा दीर्घ स्वर कौन है, तीसरा दे दिया आपको आ, और चौथा दे दिया आपको ओ, तो दीर्घ स्वर कौन होगा, अ होगा। अगर ऐसे भी इसी को प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर कौन नहीं है, अ नहीं है। इस तरह आप अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वह प्रश्न का कलेक्शन कहाँ से बनाता है और कैसे होता है। ठीक दोस्तों, अब देखिए प्लुत स्वर आप सभी लोगों ने पढ़ लिया कि उसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, ये तो आपके हो गए संयुक्त स्वर। लेकिन ये देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी चार होती है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी चार होती है। वहाँ ध्यान दीजिएगा कि वो व्यंजन पूछ रहा है कि स्वर पूछ रहा है, वहाँ इतनी घबराहट होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी घबराहट होती है कि आपको आया हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो ये आपका हो गया संयुक्त व्यंजन में क्ष त्र ज्ञ और स्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं ए ऐ ओ और औ, ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ये दो स्वर दो स्वरों से मिलकर बने हैं। ठीक, ये किससे मिलकर बने हैं चारों, क प्लस श। त्र किससे मिलकर बना, एक तो पहले ही आपका त है और ये पदेन र लगा है, तो त क्या हो जाएगा, आधा और र। ज्ञ किससे मिला है, इसी को ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी भाषा में होता है जी वाई ए, ए से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। लेकिन संस्कृत भाषा में ज में आपका य मिलता है तो क्या बनता है,
ज्ञा बनता है। यहाँ आपको क्या मिलेगा, ज प्लस या बराबर ज्ञा। श्र किससे मिलता है, आप ऐसे बनाओगे तो ये आपका तालव्य श है, ये आप पदेन र लगा दिए तो श और र हो गया। तो ये किससे मिलकर बनेगा, तालव्य श प्लस र। ठीक दोस्तों, ये आपका संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वरों का जो मिलने वाला स्वर होगा, व्यंजन होगा सॉरी, वो हमेशा आपका क्या होगा, आधा आधा होगा। ऑप्शन में आपको दोनों भी देगा, दोनों पर नहीं भी देगा, एक पर देगा, इस पर देगा, इस पर नहीं देगा। तो आप सावधान रहिएगा कि पहले वाले वर्णों पर आपका जो संयुक्त व्यंजन होता है, हर के पहले वाले वर्ण पर हलंत होता है, ये आपका स्वर रहित होता है। एक प्रश्न यहाँ से बना सकता है कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं वह कहलाते हैं, तो क्या कहलाएंगे, संयुक्ताक्षर। क्या कहलाएंगे, संयुक्ताक्षर कह लीजिए या संयुक्त व्यंजन कह लीजिए। ठीक, दीर्घ स्वरों की श्रेणी में एक विदेशी स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है, विदेशी स्वर आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, अ। क्या कहते हैं, अ। इसे उच्चारण करते हैं अ, जैसे आपका ये होता है, इसे हम अंग्रेजी के ओ से लिखते हैं, ये जीरो जो होता है आपका अंडाकार होता है और ओ गोला होता है। जैसे हमको लिखना हुआ ऑफिस, क्या लिखना हुआ, ऑफिस लिखते हैं हम, तो यहाँ हम लिखेंगे ओ डबल एफ आई सी ई, ये आपका क्या हो गया, ऑफिस। तो इसे हम ऑफिस नहीं बोलेंगे, बहुत लोग बोलते हैं ऑफिस, तो ऑफिस नहीं, ऑफिस अंग्रेजी शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी के ओ से हमेशा प्रदर्शित किया जाता है। कौन, अ। ये भी दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है। अगर आपको रोमन लिपि में कोई शब्द लिखना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो सबको समाहित करके बैठी हुई है, सबको समाहित करके बैठी है, तो ये आपका क्या होता है, इसी का नाम दिया जाता है विदेशी स्वर, विदेशी स्वर या आगत स्वर। आगत का मतलब आया हुआ, विदेशी स्वर या आगत स्वर इसका नाम होता है। अब देखिए ये आपके टोटल क्या हो गए, स्वर हो गए। स्वरों का उच्चारण स्थान पूछता है दोस्तों, आइए उच्चारण स्थान देख लेते हैं, फिर इसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं। जैसे आपका हो गया अ आ, हो गया दोनों अ आ, किसी भी कोई भी अ होगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा, क्या होगा, कंठ। फिर उसके बाद ई ई, ई ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, ई ई, क्या हो रहा है, उच्चारण में क्या स्पर्श कर रहा है, तालु। तालु को ही आप क्या कह सकते हो, तालव्य, क्या कह सकते हो, तालव्य। अब ऊ ऊ को देख लीजिए, ऊ यहाँ कॉमा लगा दीजिए, कॉमा लगाना ही शुद्ध होता है, इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं। ऊ ऊ ऊ ऊ कह रहे हैं तो आपका होठ क्या हो रहा है, बाहर निकल आ रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ। आपको ओठ भी दे सकता है, ओष्ठ्य भी दे सकता है और ओष्ठ भी दे सकता है, चाहे जो आप ये जानते रहिए, आप उच्चारण कर लेंगे, आपकी जो जो उच्चारण स्थान करते समय जो स्पर्श करेगा, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ में से कोई भी स्पर्श करेगा स्वरों को उच्चारण करते समय, तो वही आपका उच्चारण स्थान हो जाता है। उ ऊ का हो गया। अब री का उच्चारण स्थान क्या होता है, री कहते हैं ना, री तो मूर्धा जो होता है, कंठ और तालु वो मिलता है तो आपका क्या बनता है, मूर्धा होता है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा या उसे क्या कहते हैं, मूर्धन। आपके समय, आपके पास समय बहुत कम है, आप बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं, बस रिवीजन कर लीजिए मूर्धा या मूर्धन। ए आय का उच्चारण स्थान आपको बताए थे कि अ में ई मिलेगी तो ए बनेगा और अ में ए मिलेगा तो आय बनेगा। इसकी मात्रा दोस्तों दिखाने के लिए एक को नहीं होती है, लेकिन ऐसे लगाने के लिए एक होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है, दो होती है। इस पर एक पाई लगाते ओ की मात्रा हो जाती, इस पर एक पाई लगाते हैं तो औ की मात्रा हो जाती है, और ये आपके आय का आय की मात्रा है, और ये सॉरी ए की मात्रा और ये आय की मात्रा है। तो ए देखते हैं किस किस स्वरों से मिलकर बना है, अ से और ई से। आप अ का उच्चारण स्थान क्या देख रहे हो, कंठ, तो ये आपका हो गया कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या देख रहे हो, तालु। तो इसे क्या कहेंगे, कंठ प्लस तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ प्लस तालु हो जाता है।
उसके बाद बारी आती है, अगर आप लोगों को कहीं भी जरा सी भी मात्रा में दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेजिएगा, तो मैं एक दिन आपको वीडियो मात्रा वाला बना दूंगी और मात्रा पढ़ा दूंगी कि ऐसे इस शब्द पर लगाया जाता है। इसका क्या हो गया, उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु। फिर उसके बाद स्वर आता है ओ और अ। आप लोगों को बताया गया है अभी अभी कि अ में जैसे ही आप उ मिलाएंगी ओ हो जाएगा, और अ में ओ मिलाएंगी तो अ बन जाएगा। जब एक ओ तैयार हो रहा, अ में उ मिलकर अ तैयार हो रहा है, तो अ में उ अ का देख लेते हैं कंठ हो गया, और उ का क्या होता है ओष्ठ हो गया। तो इसको क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान सीधे सीधे हो जाएगा आपका, चाहे आप कंठ प्लस ओष्ठ लिखिए और चाहे आप कंठौष्ठ लिखिए। क्या लिखेंगे, चाहे कंठौष्ठ, ठीक, कंठ प्लस ओष्ठ। इसमें कौन सी संधि है, आपकी वृद्धि संधि, कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठौष्ठ। ये आपका उच्चारण स्थान हो गया। अंग का उच्चारण स्थान देख लेते हैं, अनुनासिक। क्या होता है दोस्तों, अनुनासिक जो पंचमाक्षर हैं वही आपके अनुनासिक हैं। अह आपका, अह का उच्चारण स्थान क्या होता है, अह, अह कहते हैं तो कंठ होता है, क्या होता है कंठ होता है, और ह का भी उच्चारण स्थान कंठ होता है, क्योंकि इसमें अह का उच्चारण जब करते हैं तो अ प्लस ह मिलता है, तो ह का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। ये देखिए स्वर आप लोगों ने पढ़ लिया, जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट के माध्यम से भेजिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया, आप फिर बताइएगा। और हम अब आती है बारी व्यंजन की, तो व्यंजन हम अगले दिन पढ़ेंगे, कल या जब भी मुझे टाइम मिलेगी मैं वीडियो डालती रहूँगी रोज़। और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए, लेकिन कारण ज़रूर लिखिएगा कि मुझे इसी कारण पसंद नहीं आया। दोस्तों देखिए, आपको लाइक करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप लाइक कर देते हैं तो मेरा उसमें फ़ायदा होता है। और फायदे की तो बात छोड़िए, ये दुनिया है, कहीं ना कहीं किसी का स्वार्थ, सबका स्वार्थ जुड़ा है, इसलिए लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप लोग मैच्योर हैं, ये तो है ना, एक छोटे बच्चे मैं आपको बहका दे रही हूँ, तमाम लोग हिंदी की वीडियो डालते रहते हैं, तो आप इतना जानते, जिसका समझ में आता है आप लाइक करिएगा, नहीं समझ में आता डिसलाइक, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं इतना कहूँगी कि 30 में 30 आपको यूपीटेट में नहीं दिला सकती, लेकिन 30 में 28 या 25 27 इतने के 28 के बीच आप रहोगे। अगर शिक्षण में कहीं नहीं फंसे, मैं शिक्षण वाली वीडियो भी अपलोड करवाऊंगी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।